फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी सी सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों के शुरू होते ही सबसे पहले क्या याद आता है बच्चों? क्रिसमस, है ना। तो क्रिसमस के आते ही कुछ क्रिसमस से रिलेटेड चीजें बनानी है, जैसे कि क्या बनाएंगे आज हम? सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर शेप का रेड पेपर लिया है, ठीक है। इसको हम इक्वली फोल्ड करते हैं, ठीक, टू पार्ट में, और फिर इसको यहाँ से जो हाफ पोर्शन है, फिर इसको वन हाफ पोर्शन फोल्ड करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक कॉर्नर बनेगा ऐसे, और ये बाकी फोर साइड खुला हुआ है। तो जो कॉर्नर का पोर्शन आएगा उसको हम फिर इक्वली ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से फिर वन टाइम और हम इसको, ये जो इक्वली हम ऐसे था, इसको ऐसे फोल्ड किया कॉर्नर से, और वन टाइम और फोल्ड किया, ठीक है। इसको फोल्ड करने के बाद इसको हम बिग देखेंगे लास्ट कहाँ तक जा रहा है, इक्वल एक ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल शेप में, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये कट हो गया। जब ये कट हो जाएगा फ्लावर, कट हो गया ये फ्लावर, अब इसको वन फोल्ड और ऐसे करेंगे ताकि ये बीच में एक निशान सा बन जाए, ठीक है। अब इसको हम खोलते हैं, तो ये हमारा क्या है, ऐसा ऐसा शेप बन के ये सामने आया, ठीक है। अब आ, ठीक है, इसको फोल्ड करने से इसमें ऐसे ऐसे डिज़ाइन सा बन गया है, ठीक है। इसको हम एक किनारे रखते हैं, और अब हम बनाएंगे सेंटा का फेस और कैप। फेस बनाने के लिए मैंने इससे एक सर्कल बना लिया, ठीक है, और इसको फ्लावर के शेप का इक्वली बना लिया, और बीच में ऐसे थोड़ा थोड़ा स्क्वायर जैसा ही, बट स्क्वायर में यहाँ ज्वाइंट नहीं होगा, ठीक है। इसको अब हम इस शेप में कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे और ऐसे कट करेंगे, ठीक है। और एक सर्कल लिया, एक सर्कल बनाया अंदर का फेस बनाने के लिए। तो अब हम इसको कट करते हैं, ये मैंने कट कर लिया, कट करके ये शेप इसका निकाल लिया, ये राउंड फेस सेंटा का। तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर में ये हम इसको सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि इसकी जो दाढ़ी होगी सेंटा की यहाँ तक आएगी, तो थोड़ा सा ऊपर इस फेस को हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये सेंटा की इसकी दाढ़ी जो है, ये भी पेस्ट करते हैं। तो सेंटा की तो दाढ़ी पेस्ट हो गई, सेंटा का फेस हो गया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेंटा की कैप। तो एक्चुअली आप ये चाहो तो वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने ग्लिटर पेपर इसलिए यूज़ किया, ग्लिटर थोड़ा शाइनी पेपर होता है तो अच्छा लगता है, और ब्राइट ब्राइट सा अच्छा लुक आएगा। तो सेंटा के लिए, इसकी कैप के लिए कॉर्नर से हल्का सा फोल्ड किया, और बस एक तिरछी रेखा, बस लाइन, तिरछी लाइन बनाएंगे और इसको बस कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कट गया, अब इसको हम सेंटा क्लॉज के कैप पेस्ट करते हैं, ठीक है, फटाफट। ये हो गई सेंटा की कैप, पर सेंटा के कैप पे भी थोड़ा सा और वो होना चाहिए, तो इनके ऊपर ऐसे एक सर्कल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब बताओ, अभी थोड़ा सा तो वो लग रहा है, हैं? अब क्या करेंगे, आपके पास अगर गुगली आईज हो तो आप गुगली आईज लगा सकते हो, अदरवाइज आप बिंदी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बिंदी से ये बन गया थोड़ा सा नीचे, ठीक है, बिंदी से ये बन गया सेंटा क्लॉज की आईज, ठीक है। मैंने ये बना दी सेंटा क्लॉज की आईज, अच्छी है ना। अब बनाएंगे सेंटा क्लॉज का आईब्रो,
ठीक, ऐसे और ऐसे। तो चलो ट्रायंगल से ये ऐसे और ये स्टिकर निकाला और ये ऐसे यहाँ पे, सही लग रहा है क्यों बच्चों? अच्छा लग रहा है ना? अब बच्चा भैया सेंटा की मूछें ना बने, ये तो हो नहीं सकता। तो मुझे जैसे ये शेप आपको बताया एग्जैक्टली ऐसे ही आप टू उसमें सर्कल में ये इनकी मुस्टैच बना लोगे, ठीक है? सेंट क्योंकि सेंटा क्लॉज की मूछें तो भैया बड़ी सुंदर सी होती है, वाइट वाइट सी। तो ये बन गई सेंटा क्लॉज की मूछें, ठीक, मूछें भी हो गई। बट अभी भी कुछ तो मिसिंग है ना? तो अब क्या मिसिंग है? सबसे पहले सेंटा क्लॉज की नोज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं रेड कलर का और इसको कट करेंगे और सेंटा की नोज बनाएंगे। ये मैंने सर्कल कट कर लिया और अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है? तो ये इसकी नोज ही भी बन गई और ये ब्यूटीफुल सा प्यारा सा सेंटा बन के तैयार है। तो फटाफट बनाओ, अपने डोर पे लगाओ, वॉल पे लगाओ और मैरी क्रिसमस मनाओ। तो मैरी क्रिसमस, बाय बाय, बट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।